पोएट्स को, स्टोरी टेलर्स को, मेल कॉमेडियंस को तो सुना ही होगा, पर मुझ जैसी खूबसूरत लड़की को सुनने का मौका ना बहुत कभी कभी मिलता है, सही बता रही हूँ मैं। और और तुम लोग सोच रहे होगे ये लड़की अजीब है, खुद की तारीफ खुद ही की जा रही है, नहीं सोच रहे हो? मैं फिर बता देती हूँ कि मैं क्यों कर रही हूँ अपनी तारीफ। अच्छा, हर लड़की ऐसी होती है। अच्छा चलो, पता है क्या है, मैं ना हमारे मोदी जी की, पीएम साहब की बहुत बड़ी वाली फैन हूँ, और उनसे मैंने एक ही चीज सीखी है, बात कोई भी हो कॉन्फिडेंस से बोलो, अच्छे अपने आप को लेकर आते हैं। और एज इफ अगर कोई सिंधी कॉन्फिडेंस की बात करे ना, बात बात का वजन बढ़ जाता है। यहाँ कोई सिंधी बैठे मेरे अलावा? ओए होए, दैट्स ग्रेट अंकल, आप बैठे हो, मुझे तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि एक भी सिंधी मिलेगा, क्योंकि हम सिंधी का ना एक ही फसाना होता है, वैलेंटाइन डे हो, वीकेंड हो, या घर में खुद की शादी क्यों ना हो, आधा दिन भी हम दुकान खोलते ही खोलते दुकान तो है, जाना ही जाना। क्या सही बात है। अच्छा, तुम लोग सोचते हो ना कि यार ये सिंधी लोग बड़ा बिजनेस बिजनेस करते हैं, है ना? हम लोग में क्या बिजनेस की सिर्फ क्वालिटीज नहीं रहती है, पॉलिटिशियन भी सिंधी मिल जाएगा, कॉमेडियन तुम्हारे सामने खड़ी है, आई एम ऑल्सो सिंधी, इन्फ्लुएंसर्स भी सिंधी मिल जाएंगे, इंदौरी जायका का नाम सुना है, वो भी सिंधी है, पहले हमारा स्पॉन्सर था। अरे क्या बात है, बेहतरीन। अच्छा, हमारे यहाँ पे पता है सिंधीज में ना बच्चा पैदा होता है ना, तो नर्स को ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं रहती है, आधे ही खोलती है और बोल देती है, सही था कि छट्टा सही है। और ये बच्चा जब बड़ा होता है, मतलब ये कहानी अभी स्टार्ट हुई है, सुनना ध्यान से, ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है उसको पता रहता है पहले से ही कि उसको क्या बनना है, या तो एक पॉलिटिशियन या ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन, उसके अलावा हमारे यहाँ पे तीसरा कोई ऑप्शन नहीं रहता। क्या छोटी साई को नहीं बोलते हैं, बस छोटा साई होता है, छोटी को क्या बोलते? माई बोलते हैं। हमारे यहाँ पे जब ये बच्चा बड़ा हो जाता है ना, अंकल से भी पूछ लेना, उसको मालूम रहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा बिजनेसमैन बनना है, और ज्यादा बहुत दिमाग लगा देता है अपने दोस्तों के साथ मिल करके, पापा को कहते हैं पापा मेरे को पढ़ लेने दो, दुनिया देख लेने दो, कॉलेज वाले चले जान दो, तो पापा बोलते हैं ठीक है बेटा कर ले, हो गई इंजीनियरिंग, हो गया बीकॉम सब कर लिया, फिर वो ज्यादा होशियार रहते हैं, कहते हैं पापा मेरे को ना एमबीए करने दो, मेरे दोस्त बोल रहे हैं, तो पापा क्या बोलते हैं, बेटा करने दे तेरे दोस्त, हम रखेंगे इनको अपनी इंडस्ट्री में जॉब पे, है ना? फिर क्या होता है, ये बच्चा जब बड़ा हो जाता है, शादी वादी की बात होने होती है, एक ही आदमी रहता है वो हर किसी के घर में रहता है, वो कैरेक्टर इतना अतरंगी रहता है और हर किसी के घर में तुमको मिलेगा, फूफा। ये आदमी बिना मतलब का ठेका लेके रखा हुआ रहता है, इसने हर घर के हर बच्चे की शादी करवाने का, और शादी वादी वो फिक्स करवा लेगा, और उसके बाद क्या हमारे उसमें ना, मतलब लड़कों को बहुत ज्यादा शौक रहता है कि यार इन्होंने घूमने जाना है, गोवा वा चले गए, सिंगापुर बैंकॉक चले गए, पापा को पहले तो 4 दिन मुश्किल से मनाना पड़ता है, यार पापा मेरे को जाने दो मेरे दोस्तों के साथ घूमने, और गलती से अगर 4th दिन पापा ने हाँ कर दी, और उस दिन अगर फूफा आ गया दुकान पे, बेचारे का प्लान गया, किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि फूफा एक ही बात बोलेगा उसके पापा को, नहीं डायरेक्ट बच्चे को बोलेगा, चले आए क्या, सिंधी है ना, दिमाग लगा, दोस्तों के चक्कर में जा रहा है, ये घूमना घूमना शादी के बाद ज्यादा मजा आएगा, और शादी हो गई उसके बाद ये फूफा कुछ टाइम गायब हो जाता है, जब मिलता है तो बच्चे को कहता है और घूम लिया, मजा मजा आ गया, कहता है हाँ घूम रहा हूँ ना फैमिली के साथ ही, फैमिली कोर्ट के चक्कर लगा। अच्छा, अभी जैसे बात हुई है, और मेरे भाई ने आज रक्षाबंधन का स्पेशल रखा ही है, तो एक जोक तो उनपे भी बनता है, भाई बहनों पे भी। हाँ, मुझे ना ये समझ नहीं आता यार, ये ना माओ के इतने प्यारे क्यों रहते हैं ये लड़के, मतलब काला लड़का हो, पीला हो, कैसा भी हो, माएं बोलेंगी हाय मेरे लाल को किसी की नजर ना लग जाए, मतलब काला होगा तुमको थोड़ी तो उसमें वैरायटी रखनी चाहिए, कम से कम तुम आटे का ही तिलक लगा लो, थोड़ा कंट्रास्ट तो दिखा क्या है। और उसके बाद इस काले पीले को ये लोग तो कहते हैं इसको किसी की नजर ना लग जाए, मुझे कभी कभी टेंशन होती है इसकी नजर किसी और को ना लग जाए। और तुमने एक ध्यान दिया है, ये जो लड़के रहते हैं ना इनकी हाइट कैसी रहती है,
5:30 से शुरू होती है, 5:30, 6:45, 6:30, 6:30, और हम बेचारी लड़कियां नहीं, ऐसा नहीं है, 4.9 से स्टार्ट होते हैं, 4.9, 5, 5:30, 5:30 तो भाई हद हो गई, किसी बिरले घर में मिलेगी। और वो पता है क्यों? क्योंकि ना कभी भी लड़कियां जाती हैं ना मम्मियों के पास, अंकल को बहुत अच्छे से पता होगा क्योंकि उनकी बेटी साथ में बैठी है, मतलब मम्मियों के पास जाती है ना, मम्मी 10 रुपए दे दो ना मुझे पेंसिल लेनी, क्या करेगी 10 रुपए का, आपके और हम लड़कियां तो जी पापा की परी होती हैं, और ये लड़के नलायक कहीं के मम्मी को ना बताते शान से, मम्मी मम्मी मैंने ना आपकी पर्स से 50 रुपए निकाले, और मम्मी क्या कहती है आगे से, नालायक थक्का तेरी, 5-5 रुपए निकालता तेरे बाप से मैं खुद ही लड़ती, मतलब उसको डराते हुए भी प्यार दिखा रही है मम्मी, और हमको 10 रुपए में भी सोचती है, दिस इज नॉट डन यार, ऐसा थोड़ी होता है। एनीवेज दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।